पूना से आया। मेरा लेप कान है ना, लेप कान में पहले ऑपरेशन किया था 1998 में, तो 15 साल अच्छा लगा और कान बह रहा था इसलिए ऑपरेशन किया था। पर अभी ये 5 साल पहले कान में से पानी बह रहा था और कम आवाज़ सुनाई देती, दूर से मीटिंग वगैरह रही तो उसमें मुझे दिक्कत आती थी सुनने में। मैंने 3-4 डॉक्टर को दिखाया, पहले तो ऑपरेशन करा, उसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर से भी दिखाया, तो भी वो कान बहना तो चालू था और सुनाई देना नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ आया। यूट्यूब पे देखा और हमारे उधर उस साइड में जो गाँव वाले थे वो भी पहले आकर गए थे, तो उनसे पता चला कि वहाँ उनको भी कोई दिक्कत थी, उसमें तो फर्क आया, इसलिए फिर हम यहाँ आए। बहुत बढ़िया परिणाम मिले हमें कि पहले आए तो थोड़ा सा डाउट था कि ये बिना ऑपरेशन का ये जल्दी से सुनाई देगा, इसे नहीं लग रहा था, पर 2 घंटे के बाद वो औषध कान में डालने के बाद अब ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा, और पहले जो दिक्कत थी मुझे कम सुनाई देता था अभी सुनाई देने लगा, इतने जल्दी इफेक्ट हुआ ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। बहुत बढ़िया, जो प्रवीण का जो डीप केयर सेंटर है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसको भी मेरे जैसी तकलीफ हो वो यहाँ इलाज करवा सकते हैं। सर मेरा नाम है दिनेश, मेरी समस्या रहती है कि 2017 में मेरा मेडिकल प्रॉब्लम था और दवाई की वजह से मेरा प्रॉब्लम हो गया। सर मैंने पहले साकीनागा में दिखाया तो उधर सब मेडिकल जो था गोली मेडिसिन लिया तो कुछ प्रॉब्लम कुछ फर्क नहीं हो रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे आपका मुलाकात सब देखा, इसके वजह से हम देख के हम इधर आ गए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ सही लग रहा है। हाँ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम अलग प्रॉब्लम अल्ले वैशाल चेक करूँ घयाव आने मेडिसिन घया फार चांगल ठिकाण है, योग्य तो सलाह योग्य तो मार्गदर्शन है। इथे अहमदाबादमध्ये आम्ही आता यूट्यूबवर बघून आलेलो होतो, आम्हाला आधी शंका होती पण ज्यावेळेस आम्ही 2 तास इथे स्वतः येऊन ट्रीटमेंट घेतली, माझे जे प्रॉब्लेम होते कानाचे ते एकदम सॉल्व झालेलं आहे। तर आपणही कोणाला असे माझ्यासारखे काही कानाचे प्रॉब्लेम्स असतील तर सुराणा डॉक्टर प्रवीण सुराणा डीप केअर सेंटरला अवश्य भेट द्यावी, बिना ऑपरेशन चे इलाज इथे तत्काळ आणि परिणामकारक होतो, म्हणून कोणीही ज्यांना प्रॉब्लेम असेल त्यांनी इथे अवश्य भेट द्यावी। धन्यवाद।